जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, लॉर्ड, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आप सभी को पता है कि SSGD के फिजिकल 24 तारीख से शुरू होने वाले थे। अब उसका भी ऑफिशियल नाइट SSGD पे नहीं आया था और मैंने आपको कल ही शेयर किया था, वो SSGD की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं था SSC की पे, लेकिन मैंने कहा था वो बिल्कुल सही है और उसका परिणाम आज देख लीजिए। जैसे इस बच्चे का भी एडमिट कार्ड आया है और इसका जो रनिंग है वो 24 तारीख की ही है, यानी सबसे पहले वाले दिन ही इस बच्चे की रनिंग है। और इसको जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया वो 4:30 बजे का दिया है, यानी आपकी ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मॉर्निंग में ही रनिंग हो जाएगी। साथ में क्या क्या लेके जाना है ये पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से सुन लेना, क्योंकि इसके बिना आपके काम खराब हो जाएंगे, वहां फिर बाद में पछताओगे। इस बच्चे की आप देखोगे तो देख लीजिए, ये 4:30 बजे का इसका रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, 24 तारीख इसकी फिजिकल के लिए डेट दी हुई है, ये इसके रोल नंबर है और ये इस बच्चे की फोटो है। पंजाब से, पंजाब इसका सेलेंट जो सेंटर है जालंधर। चलिए आगे चलते हैं, आपको नियम बता देता हूं। जो नियम है इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट कैरी फॉर रिसेंट फोटोग्राफ एंड लेटेस्ट वन फोटो बिरिंग आइडेंटिफाई प्रूफ सच ए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, इनकम टैक्स, पैन कार्ड ओरिजिनल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फिलिंग विथ द स्मॉल नोट बी अलाउड टू बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ध्यान रखना कि आपको एक रिसेंट अपनी फोटो भी लेके जानी है, उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी एक ID जिससे आपकी पहचान हो सके कि हाँ आप ही वही बंदे हैं जिनका ये एडमिट कार्ड है, ये आपको लेके जानी ही जानी है, ध्यान रखना। ठीक है लाडलो, अब इसके अलावा क्या क्या देखिए। शारीरिक मापदंड, शारीरिक परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थायी है, जो दाखिला है ना वहां सेंटर में वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। परीक्षा विज्ञप्ति में प्रकाशित अभ्यर्थी के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार शारीरिक मापदंड, परीक्षा हेतु हाइट और चेस्ट में छूट हेतु पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के समय अपने दावे से संबंधित छूट संबंधित दस्तावेज जांच लेने हेतु ले जाना अनिवार्य। मतलब जो ST कैटेगरी के उनको हाइट में छूट मिलती है, या कुछ स्पेशली किसी राज्य से बिलोंग करता है तो उनको हाइट में छूट मिलती है, तो आपको वो सर्टिफिकेट वहां पर लेके जाना पड़ेगा। और जिसको आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया कि हाँ भाई मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, हाँ मैं ST से बिलोंग करता हूँ, हाँ मैं SC से बिलोंग करता हूँ, तो वो सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, आप तभी आपको वो छूट मिलेगी, नहीं तो छूट भी नहीं मिलेगी, बाहर कर देंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों का एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी सेल्फ अटेस्टेड सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो भी आपको लेके जाना है, फोटोस्टेट भी लाना सुनिश्चित करे। ये पाए जाने पर कि पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते तो आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी और आपको घर भेज दिया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। इसके विरुद्ध कोई भी अपील सुनी भी नहीं जाएगी, समझ गए। तीसरा पॉइंट है शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है। उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लेखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर आप सोच लो कि आपका अजमेर है और आप दिल्ली चले जाओ तो वहां कौन घुसने देगा भाई, कोई नहीं घुसने देगा ना, वही बात लिखी हुई है। अगला जो पॉइंट है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे वो अभी मैंने ऊपर बताया था एक आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है 100%। शारीरिक मापदंड, शारीरिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो शारीरिक मापदंड, शारीरिक जांच हेतु विस्तृत जानकारी के लिए कर्मचारी बोर्ड की जो SSC की ऑफिशियल साइट है उस पर जाके इसकी पूरी गाइडलाइन भी पढ़ ले। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे हीरे, जेवरात, मोती, मुंगल कुछ भी वहां पर लेके ना जाए भाई, और स्पेशली मोबाइल का भी लिखा है कि वहां मोबाइल जमा करने की कोई सुविधा नहीं है, तो थोड़े से दिन बाबू सोना को 2 दिन के लिए रोक देना और उनको बाहर ही रख देना, कैंप के अंदर ले जा सकते हो लेकिन चोरी वोरी होगी उसकी गारंटी तुम्हारी खुद की रहेगी, पहले लिखा हुआ भाई हम जमा नहीं करेंगे, समझ गए। तो जो भी तुम्हारे हीरे मोती जवाहरात है उनको घर पे छोड़ के चले जाना, साथ लेके मत जाना। अगला पॉइंट बताता हूं, शारीरिक मापदंड परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के बाएं अंगूठे का छाप लिया जाएगा, अतः अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपना बाएं अंगूठा साफ सुथरा रखे, ठीक है, बाएं अंगूठे का छाप लेंगे। शारीरिक मापदंड या शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर आएंगे, इस बाबत उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हाँ ये वहां जाके मत बोल देना कि भाई खर्चे, खर्चा बताओ भाई हम रनिंग करके आए हैं, कोई खर्चे के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, खुद के खर्चे पे जाना है, समझे, नौकरी भी तो चाहिए ना, खुद के खर्चे पे जाना है लाड दो। शारीरिक मापदंड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना
स्पोर्ट्स किट लाना सुनिश्चित करे। स्पोर्ट्स किट का मतलब है तुम लंगोट ले लेना भाई, रनिंग करते समय उसकी जरूरत पड़ेगी। अब तुम वहां जाके मत बोलना कि हम लंगोट नहीं लाए, समझे। शारीरिक मापदंड या शारीरिक परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे अपने साथ अपनी 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य लाए। परीक्षा केंद्र में आपका विवरण भरते समय आपके काम आएगी। मस्त मस्त 4 लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना और वो लेके जाना। महिला अभ्यर्थी की जांच के दौरान गर्भवती पाई जाती है तो अस्थायी अयोग्य घोषित किया जाएगा। उसकी नियुक्ति जब तक की गर्भावस्था समाप्त ना हो जाए स्थगित की जाएगी। गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से योग्य प्रमाण पत्र लेने के उपरांत शारीरिक दक्षता पुनः हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई लड़की है और प्रेग्नेंट हो गई है वो, तो उसका अभी रनिंग नहीं होगा। जब उसका बच्चा बच्ची हो जाएगा उसके 6 हफ्ते बाद में अगर वो योग्य है उसके बाद में उसका रनिंग हो जाएगा। समझ गए बात को। भूतपूर्व सैनिक जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे, शारीरिक मापदंड स्टेज में ऊंचाई छाती व वजन के लिए उपस्थित होंगे। इन भूतपूर्व सैनिक की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं की जाएगी। इन्हें गहन चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी, मतलब रनिंग वनिंग इनकी नहीं होगी भाई। ये अभ्यर्थी पर्ती है और इसका संभाल कर रखे, ये जो पर्ती है ना जो एडमिट कार्ड, जब तक अंतिम परिणाम न निकल जाए इस पर्ती को परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु दिखाया जाए। बोर्ड के अन्य संचालक अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य दिखाए। कोई भी मांगता तो दिखा देना, ऐसा नहीं कि हम नहीं दिखाएंगे जी। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना होने पर चोट लगने पर उम्मीदवार के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उम्मीदवार 5 किलोमीटर या 1600 मीटर की दौड़ में भाग लेने से पूर्व स्वयं की शारीरिक फिटनेस को सुनिश्चित करेगा। विभाग सरकार एवं सरकारी परीक्षा केंद्र कोई जवाबदारी नहीं लेगा। मान लो रनिंग करते समय तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तुम्हारा कोई चोट चाट आएगी तो साफ लिखा हुआ है इन्होंने, और तुम इसे फॉर्म भरवा के साइन भी करवा लेंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान प्रदर्शन बढ़ोतरी की औषधि का सेवन न करे। हाँ, कुछ बच्चे ले लेते हैं कि हाँ भाई रनिंग स्पीड से आ जाएगी। शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवाई के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा, यानी किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना। मोटा मोट मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं, आपकी 4 फोटो है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, उनकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है, 1 आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से एक मुख्य आईडी कार्ड भी लेके जाना है, 10th क्लास की मार्कशीट ले जाना, ओबीसी एस एसटी का सर्टिफिकेट ले जाना, जो भी है आपका, और लेटेस्ट फोटो और एडमिट कार्ड ले जाना, काम हो जाएगा। और बढ़िया से रनिंग मार के आना भाई। जय हिंद, जय भारत।